हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्सेट एसएल कैप्सूल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि साइनोसाइटिस और मुहासों में इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारे इस कैप्सूल के यूजेज हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या इसके यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स है, क्या इसकी प्रिकॉशंस है, क्या इसकी इंट्रेक्शन है और क्या इसकी डोज है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डॉक्सेट एसएल कैप्सूल के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। डॉक्सेट एसएल कैप्सूल के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, डॉक्सीसाइलिन इसमें स्वयं जी और लैक्टोबैसिलस 5 बिलियन स्पोरीज होती है। अगर हम इसके एमआरपी के बारे में बात करें तो 100 रुपये इसका एमआरपी होता है और 10 कैप्सूल्स एक स्ट्रिप में आती है। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्सेट एसएल कैप्सूल काम कैसे करता है। बात करें तो डॉक्सेट एसएल कैप्सूल में दो तरह के कंपोजिशन होते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन और लैक्टोबैसिलस। डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि बैक्टीरिया को काम करने के लिए जरूरी प्रोटीन को बनने से रोककर बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। लैक्टोबैसिलस एक जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को बनाए रखता है, जिन्हें एंटीबायोटिक्स का उपयोग करने से या आंतों में संक्रमण होने की वजह से नुकसान पहुंचता है। इस तरीके से डॉक्सेट एसएल कैप्सूल अपना काम करता है। अब हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको डॉक्सेट एसएल नाम से एक कैप्सूल ना मिले तो आप इन नाम से भी इस कैप्सूल को खरीद सकते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात करें तो कोडो कैप्सूल, ला एलबी कैप्सूल, एडोक्सी एलबी कैप्सूल, डॉक्सी प्लस एलबी कैप्सूल, माइक्रोडॉक्स एलबी एक्स कैप्सूल, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इन नाम से भी आप इस कैप्सूल को खरीद सकते हैं। एक ही बात है, एक ही कंपोजिशन है, सिर्फ कंपनी और एमआरपी का फ़र्क है। इनमें से जो आपको रेट के हिसाब से ठीक लगे आप वो खरीद सकते हैं। अब हम डॉक्सेट एसएल कैप्सूल के यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं, किन किन बीमारी को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। यूजेज के बारे में बात करो तो निमोनिया में, श्वसन तंत्र के रोगों में, जनन अंगों में, मूत्राशय प्रणाली में, नेत्र संक्रमण में जैसे संक्रमण के रोगों को ठीक करने के लिए डॉक्सेट एसएल कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो त्वचा के रोगों में, मुहासों में, पेरिओडोटाइटिस में, मसूड़ों की बीमारी में और मलेरिया के इलाज में भी। और बात करें तो यौन संचारित बीमारियां जैसे कि गोनेरिया, सिफालिस, क्लैमाइडिया में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग नाक, फेफड़े, छाती, गुर्दे, मूत्राशय के जीवाणु को मारने के लिए भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्सेट एसएल कैप्सूल के यूजेस के बारे में जानकारी थी। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब कोई पेशेंट इस कैप्सूल को यूज करता है तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स उसे देखने को मिल सकते हैं। पेट की खराबी, पेट में दर्द का होना, जी मिचलाना, अपच की समस्या होना, गैस की प्रॉब्लम होना, सूजन होना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस कैप्सूल को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम इसकी इंट्रेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस कैप्सूल को कौन सी दवाओं के साथ यूज नहीं करना है। एल्कोहल, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स, कार्बामाजेपिन, फोस्फोफेनिटियोन, ग्लाइमिडीन, हाइड्रोक्साइड्स, आयरन साल्ट्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, फेनोबार्बिटोन, इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन, ये कुछ मेडिसिन है। इनके साथ आपने इस कैप्सूल का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने यूज किया तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिले, या हो सकता है आपने जो मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस कैप्सूल को लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको किडनी या लीवर से जुड़ी कोई बीमारी है तो इस कैप्सूल को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग महिला है या प्रेग्नेंट वूमेन है तो इस कैप्सूल को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ये कुछ बातें हैं जो इस कैप्सूल को लेते समय आपको ध्यान में रखनी है। अब वीडियो के लास्ट में हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डोज पेशेंट के लिए चलती है। इस कैप्सूल को खाना खाने के बाद सुबह और शाम लिया जाता है। और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। ये डॉक्सेट एसएल कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।